स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु जनपद के समस्त विकास खंडों में तैनात किए गए समस्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक सर्किट हाउस के पास अवस्थित योगी गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में संपन्न हुई। बैठक में समस्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान चिन्हित की गई कमियों तथा अन्य समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके अधिकार और चुनाव संबंधित जानकारी दी। तो आप ये भी सुझाव अपनी रिपोर्ट में भ्रमण आख्या में दे सकते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट चीज है कि रूट चार्ट आप जरूर जानते रहे। उसके बाद चुनाव में 13, 14, 15 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट का काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कई चीजें आपको उस समय एकाएक याद आएगी, मुझे ये करना था, ये करना था। कोई मान लीजिए केस विवादी हो जाता है, कोई बवाल हो जाता है बूथ पे या सेंटर पे, तब आपको अपने लोकल थाने का नंबर बहुत जरूरी है। आपके जो बूथ 4-5 बूथ आपने कवर करने हैं, आपको जो 4-5 सेंटर्स कवर करने हैं, वो किस थाने में आ रहे हैं या किन थानों में आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे पहले आप थाने पे ही फोन करके बताएंगे कि यहाँ पे ये विवाद हो गया, यहाँ पे ये विवाद हो गया, आपका नंबर जरूर रख लीजिएगा। थाने के पास रहते हैं तो BDO, ADO पंचायत और उसके बाद अंतिम स्टेप है वहाँ के SDM, जो लोकल आपके SDM, उनका नंबर आपके पास होना चाहिए। और एक चाहिए तो अपना क्लोज ग्रुप, आप जो जोनल मजिस्ट्रेट साहबान हैं, 22-23 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, वो अपना क्लोज ग्रुप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का बना लें, उसमें BDOs और SDMs को भी चाहे तो ऐड कर लें। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को लमसम आंकड़ा पता होना चाहिए उनकी वोटिंग कितनी हो रही है हर घंटे पे। तो ये इसीलिए आपका जो क्लोज ग्रुप है जोनल मजिस्ट्रेट लोगों का, वो बहुत जरूरी है। अगर तो हम 4 बूथ की बात करें तो कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं आयोग का कि हम कोई टेम्परेरी तंबू लगा दें या ऐसा करके कोई बूथ बना दें, ये फिजिबल नहीं है। तो इसीलिए आप ये जरूर देख लीजिएगा कि प्राथमिक विद्यालय ये इसमें कितने बूथ हैं। अगर इस प्राथमिक विद्यालय में 3 बूथ बताए गए हैं तो वहाँ 3 कमरे होने ही होने चाहिए। वर्स्ट केस में मान लीजिए 2 ही कमरे पढ़ाने वाले हैं, एक कमरा रसोई का है जो खाली है, अगर ऐसा दिख रहा है तब उसमें हमारे पास सोच सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल ना हो कि कमरा ही ना हो और आप कहें यहाँ 5 बूथ है और कमरे 2 हैं, तो ये समस्या हो सकती है। तो इस भ्रमण में आप लोग जब जाइएगा तो इसको एक लास्ट बार जरूर इसको चेक कर लीजिएगा कि वहाँ जो बूथ है वो कंप्लीट है कि नहीं है। इसके अलावा रैंप जो होता है मैक्सिमम विद्यालय में होता है, एक बार रैंप आप चेक कर लीजिएगा। रैंप जो है दिव्यांग मतदाताओं के लिए होता है, तो रैंप को जरूर चेक कर लीजिएगा। और मोबाइल का बड़ा मैसेज आ रहा था इसके ग्रुप पे, हमारा जो ग्रुप बना है सेक्टर मजिस्ट्रेट का, कि मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, कनेक्शन इस मोबाइल का है उस मोबाइल का नहीं है, एक स्टैंडर्ड को रखिए। अगर इनकेस BSNL का या एयरटेल किसी कनेक्शन है तो आप मान के चलेंगे हाँ कनेक्टिविटी है, क्योंकि कोई वेबकास्टिंग ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए आप ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए आपके पास BSNL, एयरटेल, आइडिया, जियो कोई भी सिम है, किसी का भी नेटवर्क पकड़ रहा है, तो उसको हम मोर और लेस मानेंगे कि हाँ वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी है।